भोपाल में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे भोपाल में तेजी से डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। शहर में अब तक 78 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिए अभियान चलाया है। जेपी अस्पताल के डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि 5 लोगों की जाँच की गयी थी, जिसमें से एक पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि मरीज की हालत ठीक है। उन्होंने बताया कि जेपी अस्पताल में 10 बिस्तर डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। कल हमारे यहाँ 5 मरीजों का टेस्ट हुआ था, इसमें एक पॉजिटिव आया है और हमारे यहाँ भी 10 बिस्तर इसके लिए आरक्षित किए गए हैं, तो इसमें से अभी कोई भर्ती नहीं है। कुछ विगत 3-4 दिन पहले मरीज पॉजिटिव आया था हमारे यहाँ, तो उसको डिस्चार्ज किया गया है, वो ठीक हालत में घर गया है। तो इसमें अभी पानी गिर रहा है तो आसपास घर के आसपास काफी पानी भरेगा, तो उस समय सावधानी रखने की जरूरत है कि घर के आसपास मच्छरों का जो पानी जमा ना होने दे, जिसमें मच्छर पनपते हैं और वो घर में काटते हैं। फिर इसमें महिला बाल ये दिस वो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलके सीएमएचओ साहब मिलके अभियान चलाते हैं। इसमें जगह जगह मच्छरों के लिए दवाइयां भी छिड़की जाती हैं और उस पर एंटी लार्वल में वो अभियान भी चलाया जाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।